भरत जी, आप बताइए, आप लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी के नेताओं को पहले मंत्री बनाया गया, उसके बाद अब उन्हें बंगले भी अलॉट कर दिए गए, आप लोगों को नंबर क्यों नहीं लग पा रहा? इनके वजह से ही नंबर नहीं लग रहा था, वो हमारे साथ आने वाले थे, इसलिए हम लोग लेट हो रहे। अभी तो सब स्टेबल हुआ है, तो अभी शायद 2 दिन में होना चाहिए। सर, बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी लग रहा है आपको कि उनको मंत्री पद पर मंत्रालय दे दिया, मंत्री बना दिया गया, बंगले भी इनोवेशन मिनिस्टर मिला है, तो वो तो बंगले देना ही है, नहीं तो फिर खाली मिनिस्टर दे के फायदा क्या है? तो उनको रहने का और ऑफिस का वो सब इंतजाम कर दिया है, अभी उनके खाते का भी वाटअप हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगा, फिर हमारा नंबर आ जाएगा। लेकिन सर, आप लोग का दबाव लेकिन काम आ गया, अब तक जो है पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मांग कर रहे कि उन्हें वित्त मिले, वो मांग कर रहे कि उन्हें रेवेन्यू मिले, जल संसाधन मिले, लेकिन अलॉट नहीं हो रहा है। मांगने के लिए सब कुछ मांगे, देने वाले अलग है, लेने वाले अलग है, देने वाले ने भी सोच के देना है, लेने वाले भी सोच के लेना है, दोनों में बात तय हो जाएगा तो हो जाएगा। एनसीपी नेता सूरज चौहान ने फिर एक बार कहा है कि रायगढ़ का पालक मंत्री पद जो है वो अदिति तटकरे को मिलना चाहिए, उनका हक पहले है। कौन बोला? सूरज चौहान, जो उनके नए प्रवक्ता युवा अध्यक्ष। हाँ, ठीक है ना, बोलने के लिए कोई पैसा देना पड़ता है क्या? मांगने के लिए ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो तय हुआ है वो हम लोग बता रहे हैं। भरत सेठ को पालक मंत्री, पूरे रायगढ़ की जनता और हमारे हम लोग 6 के 6 MLA, इसके बगैर क्या चाहिए बोलो। पोर्टफोलियो भी दिक्कतें क्या हो रही है? मंत्री भी बना दिया, पोर्टफोलियो भी नहीं उन्होंने अलॉट कर रहे हैं, आप लोग का भी नंबर नहीं आ रहा है, कहाँ बात फंसा हुआ है? अभी वो रात को तो बैठे थे, ऐसे मेरे को लग रहा है 99% तो सॉल्व हुआ होगा, 1% है तो आज दिन में सॉल्व हो जाएगा।